हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं क्या करें अगर बच्चा बोलना नहीं सीखे। बच्चे को जल्दी सिखाने के लिए अजमाइए चार ट्रिक्स। इस वीडियो में बहुत आसान तरीके बताए गए हैं जो कि आपके बच्चे को बोलने में बहुत मदद करेंगे। सबसे पहले बता दूँ कि हर बच्चे का बोलने का स्केल अलग अलग होता है। अगर एक साल तक का बच्चा 8 से 10 वर्ड बोलता है, जैसे मम्मी, पापा, दादा, चीज़, बाहर, बाय, तो काफ़ी है। 1.5 साल तक का बच्चा 2 वर्डों को 3 वर्डों को जोड़कर बोलने लगता है, मेरी मम्मा, मम्मा आओ, पापा जाओ, मेरी मम्मा है, इस तरीके से। 2 साल तक का बच्चा पूरी की पूरे वर्ड्स, पूरी की पूरी लाइन्स बहुत आसानी से बोलने लगता है। लेकिन हर बच्चा इस स्केल पर नहीं खरा उतरता। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो कुछ बच्चे इससे बहुत कम बोलते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बता रही हूँ, अगर आपका बच्चा वो करता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आपका बच्चा आपकी बातों को समझता है, जैसे आप कहते हैं इधर आओ, उधर जाओ, तो वो आसानी से समझ रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपका बच्चा आपके किए हुए क्वेश्चनों को जवाब देता है इशारों से, तो वो बिल्कुल ठीक है। तीसरा है, अगर वो सिर हिलाकर जवाब दे रहा है तो भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि अगर ये 3 चीज़ें आपका बच्चा कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बच्चा बोलने में लेट ज़रूर है, लेकिन लेट होने के भी 4 कारण हैं, वो ज़रूर जानिए। सबसे फर्स्ट है अनुवांशिक कारण, क्या मम्मी पापा ने लेट बोलना शुरू किया होगा। इसके अलावा बच्चे के साथ बहुत कम स्पेंड करते हैं उसके मम्मी पापा, बहुत कम बातें करते हैं इस कारण से। या फिर 2 साल तक का बच्चे को स्क्रीन टाइम जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि टीवी, फ़ोन, इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपना काम करने के लिए बच्चे को टीवी के आगे बिठा देते हैं, फ़ोन दे देते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा राइम सीख रहा है, ABC सीख रहा है, लेकिन वो सीख रहा है, सुन रहा है, लेकिन बोलने से बहुत पीछे रह रहा है। 4th कारण है, अगर बच्चा 2 साल तक मम्मी पापा एक भी वर्ड कुछ नहीं बोलता तो आप डॉक्टर से ज़रूर। मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या करना चाहिए, कौन सी ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए। हर बार बच्चे से बोलकर ही कुछ कहें, इशारे से कुछ नहीं कहें। चाहे बच्चा जवाब नहीं दे, उसके बदले का जवाब आप खुद दें। जैसे आप खुद से पूछ रहे हैं कि आपने क्या खाना है, आपने इडली खानी है, डोसा खाना है, क्या खाना है, तो इसका जवाब आप ही खुद दे दीजिए। जो बच्चा खाना पसंद करता है वो आप उसको बोल दीजिए, क्या खेलने चले, ये खेलते हैं, वो खेलते हैं, इस तरीके से। इसके अलावा आप बच्चे के साथ गेम खेलिए। बच्चे का टीवी और फ़ोन का टाइम 0 होना चाहिए 2 साल तक के बच्चे का। इसके अलावा खाना खाते टाइम, मसाज करते टाइम, नहलाते टाइम, ब्रश कहलाते टाइम, आपका बच्चा ब्रश नहीं करता, खाना नहीं खाता, नहाता नहीं है, तो आप टीवी, फ़ोन ये दिखा कर करवाना चाहते तो ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बच्चे को बुक पढ़कर सुनाएं, वो बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है। सुलाते टाइम बच्चे को स्टोरी सुनाइए, कहानियाँ सुनाइए। अगर बच्चा 2 साल का हो चुका है और कुछ नहीं बोलता तो बच्चे को प्ले स्कूल ज़रूर भेजें, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा बच्चों से सीखेगा उतना बड़ों से भी नहीं सीख सकता। एक सबसे और बहुत बढ़िया तरीका, जब बच्चा गर्भ में है तब से बच्चे से बातें करना शुरू करिए। ऐसे बच्चों से जिनसे गर्भ में ही बातें करना शुरू कर दिया जाता है, वो बच्चे 100% जल्दी बोलना सीखते हैं। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना गंदा गाते हैं, लेकिन आप बच्चों से, अगर बच्चा बहुत कम बोल रहा है तो बच्चे से गा कर सुनाइए। जब बच्चे को आप गा कर सुनाएंगे तो बच्चा चीज़ों को जल्दी सीखेगा, जल्दी सुनेगा, उसका माइंड जल्दी सक्रिय हो जाएगा उन बातों को सुनने के लिए। इसके अलावा बच्चे की आवाज़ को दोहराइए। जो बच्चा आपका कुछ बोल रहा है उसको आप रिपीट कीजिए। ऐसा करने से एक बार आप बच्चे को कॉपी करिए, फिर धीरे धीरे बच्चा आपको कॉपी करने लगेगा और आप बच्चे को नए वर्ड, नए अक्षर सुना सकते हैं, सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के आधे वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे बच्चा बोल रहा है मम्मा आ, तो आप बोल सकते हैं मम्मा मेरे पास आओ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी बच्चों के जो अधूरे वाक्य हैं उनको पूरा कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो अगर आप फॉलो करते हो तो 100% बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीखेगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो आप अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।